Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता मैं, एक तरफ है नायरा का खुशहाल परिवार तो दूसरी तरफ है कार्तिक नायरा की बढ़ती दूरियां। जी हाँ, तो जैसे कि आप जानते हैं कि कार्तिक है गोवा में, जो अपने बेटे केरव को मिलने आए थे, जिसका उन्हें पता भी नहीं था कि केरव उनका हकीकत में ही बेटा है। तो वहीं जहाँ कार्तिक और केरव फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो नायरा उन्हें देखकर खुश हो रही है और खुद को भी उनके साथ गेम खेलते हुए सोचने लगी, जहाँ तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह नजर आए। लेकिन ये मेरा सिर्फ एक ख्याल है। नायरा का जो टूट गया जब कार्तिक गोवा से जाने लगे और नायरा की उनके पीछे भी की ये सोच की उनको रोक लेंगी, लेकिन 5 साल पुरानी बातों ने उन्हें वापस रुला दिया और लौट गई नायरा जहाँ कार्तिक उन्हें देख भी नहीं पाए। अब पता नहीं कौन सा सपना होगा सच, या नायरा अपनी खुशहाल जिंदगी में जा पाएगी, या फिर जो पूरा सपना देखा वो सच हो जाएगा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ। ओके, सो आज फाइनली नायरा को पता चल गया है कि कार्तिक गोवा में ही है। वो आपको नहीं देख पाए, लेकिन आपने उनको देख लिया और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 5 सालों का जो भी गुबार था दिल में वो सब बाहर आंसुओं के जरिए निकल रहे हैं। जी हाँ, पहले तो नायरा कार्तिक को देख लेती है, जो एग्जीबिशन में वो लोग हैं वहाँ पे पहली बार नायरा कार्तिक को देखती है और इसकी एक झलक देखती है और वो मतलब एकदम से उससे ऐसे जाता है कि कार्तिक, मुझे बस अभी कार्तिक के पास जाना है, उसे और कुछ नहीं दिख रहा सिवाय कार्तिक के। फिर कुछ होता है वहाँ पे और दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। कार्तिक नायरा को नहीं देखते हैं और नायरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि यू नो कार्तिक यहाँ पे है और उसका कितना मन है उनके पास जाने का, लेकिन वो चाह के भी उनके पास नहीं जा पा रही। और फिर दोबारा जब नायरा कार्तिक को देखती है तो नायरा के लिटरली तोते उड़ जाते हैं क्योंकि नायरा का जहाँ स्ट्रेस इस बात को लेके चल रहा था कि कायरव के असली पापा से वो कायरव को मिला नहीं सकती और नकली पापा से यू नो वो रिश्ता बनने नहीं देगी, कि किसी नकली पापा को असली पापा की जगह नहीं लेने देगी, क्योंकि नायरा को नहीं पता होता है कि कायरव के जो पापा हैं वो कार्तिक ही हैं और कार्तिक ही उनसे बात कर रहे हैं। और जब नायरा देखती है कायरव और कार्तिक को साथ नायरा के घर पे, तब वो बहुत मतलब शॉक हो जाती है कि मतलब जिसे कायरव अपना पापा समझ रहा था इतने दिन तक, वही उसके पापा है। और वो बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है, उसका खुद से यही चीज़ कहती है कि यू नो मतलब अब तुम्हें एक बार देख के मेरा सारा गुस्सा, मेरी सारी नाराज़गी दूर हो गई, अब सिर्फ तड़प है तुमसे मिलने की, ये चीज़ भी अपने आप से वो कहती है। फिर कायरव को भी वो खुद जाके बोल देती है कि वही तुम्हारे असली पापा है। और अब जब कार्तिक जा रहे हैं तो नायरा से बर्दाश्त नहीं हो रहा, नायरा बोलती है उसको ये लग रहा है ना कि इतने साल हो गए इनको अलग हुए हुए और अब वो उसको जब तक देख सकती है मतलब तब तक देखेगी, तो वो उनको फॉलो करती है जहाँ तक वो कर सकती है। अच्छा, वैसे आज एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट आपने इमेजिन किया जिसमें आप, कार्तिक, कायरव तीनों एक साथ हैं, मस्ती कर रहे हैं घर में, पंजा लड़ा रहे हैं, अब दोनों मम्मी पापा मिलकर कायरव से पंजे में हार जाते हैं। आपको नहीं लगता कि डेस्टिनी है कार्तिक का यहाँ पर आना भली कायरव की वजह से, और अब आप तीनों को एक हो जाना चाहिए? आपको जो ये बार बार ख्वाब आ रहे हैं वो इसी चीज़ का इंडिकेशन है? जी हाँ, क्योंकि जब से कायरव ये पापा की बात कर रहा था तब से ही नायरा को कार्तिक का और कायरव को लेके उनके ऑब्वियसली ख्याल आते हैं। और हर मतलब इस बार भी अभी भी जब वो कार्तिक को कायरव के साथ देखती है तो वो यही सपना देखती है कि ना अगर सब अच्छा होता तो कैसा होता। वो तीनों साथ में होते हैं, खेलते हैं, बहुत ही प्यारा सा मोमेंट है जहाँ पर तीनों एक साथ दिखाई देंगे बट स्टिल ड्रीम में ही, बट फिर भी इट्स अ वेरी नाइस क्यूट सॉन्ग मोमेंट। एंड यार नायरा बस यही इमेजिन कर रही है कि काश ऐसा सच हो सकता। अच्छा, आज वेदिका से भी हिट एंड मिस हुआ है, मतलब वो उनसे भी आपकी मुलाकात होते होते रहेगी क्योंकि वेदिका आपको पहचानती है। जी, आप वेदिका को पहचाने पहचाने लेकिन वो आपकी शक्ल और सूरत पहचानती है। नायरा को नहीं पता है कार्तिक की लाइफ में कोई वेदिका नाम का की कहानी है। जी हाँ, नायरा चर्च में है, रो रही है बहुत, भगवान से पूछ रही है कि आप क्यों कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे कोई राह दिखाओ कि अब मैं क्या करूं। कार्तिक के पास जाना चाहती हूं लेकिन नहीं जाती हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं नायरा को ये बात लगती है कि अगर वो अब कार्तिक के पास जाएगी तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, शायद वो उससे बहुत नफरत करेगा कि वो ज़िंदा थी फिर भी उसने मीनू छुपाया और उसका बेटा था उससे इतने दिन तक दूर रखा। और वहीं पर वेदिका भी उसी टाइम पर आती हैं, नायरा को नहीं पता उसके बारे में, नहीं पता। अच्छा, बारिश के मौसम में शूट करना है और मुझे पक्का पता है पारस तुम ये पूछोगे, और वो भी ऑलरेडी जब तबीयत खराब हो, तबीयत खराब है और ऑब्वियसली सबकी तबीयत बहुत नासाज चल रही है इस वक्त, इंक्लूडिंग अस।
तो ऐसे ऐसे मौसम में मेरी आवाज़ से पहचान गए होंगे। शूट करना ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट होता है आप लोगों को, इनफैक्ट कैमरा यहाँ से वहाँ मूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, हमारे टेक्नीशियंस उनके लिए काफ़ी ज़्यादा, उनके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सब सेटअप पूरा देखना और कैमरा को पानी वानी से बचाना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हम लोगों के लिए तो ठीक है, हम तो मतलब इंजॉय करते ही रहते हैं बारिश में, बस जब तबीयत ख़राब हो तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तब ठंड लगती है, अदरवाइज रेन तो अच्छी है, मॉनसून अच्छा ही लगता है और अच्छा है बारिश फाइनली हो गई। थैंक यू। थैंक यू।